गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम मनाली में, आज का हमारा तीसरा दिन है, तीसरा ही है ना। हाँ, तो आज का हमारा तीसरा दिन है। ये हमारे साथ के जो चार लोग हैं इनको मैंने पनिशमेंट में खड़ा किया हुआ है फिलहाल, लेकिन रात को इन्होंने मेरे को सोने नहीं दिया। पीछे ये जो दो नए चेहरे आप देख रहे हैं, ये हैं शुभम भैया और ये हैं प्रवीण भैया। ये इस होटल के ओनर्स हैं और ये है जोया। जोया से हेलो। हाँ, जोया प्रवीण भैया की बेटी हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन्होंने हमें रखा। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मत सोचना कि हमें इस बात को कहने के लिए पैसे मिले। पैसे तो नहीं दिए प्रवीण जी आपने? हाँ, बाकी का बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारी टेक केयर करी और हमने इनको बहुत परेशान भी किया है वैसे रातों को शोर मचा मचा के। एनीवेज, आज हमारा लास्ट डे है मनाली में, तो अभी हम जा रहे हैं सोलांग कहते हैं ना, हाँ मैं उसको सलोंग कह देता हूँ कभी कभी, माइंड मत करना। तो अभी हम सोलांग वैली जाएंगे घूमने के लिए, शुभम भैया हमारे साथ में जाएंगे। बाकी मैंने इनके होटल्स के जो मतलब ये कॉटेज है, कॉटेज के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि जो दोनों लोग हैं, ये जोया और प्रवीण भैया, दोनों यूट्यूबर हैं। प्रवीण भैया ट्रैवल की वीडियोज़ बनाते हैं और जोया तुम क्या बनाती हो? अच्छा, शुभम भैया बनाते हैं, मेरे को भी पता लगा शुभम भैया म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। तो इनके चैनल्स की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जोया अभी गेमिंग चैनल खोलने का सोच रही है ना। हाँ, सो कौन सा गेम खेलते हो आप उस पर? कोई गेम है जिसका नाम है PKXD, वो जोया खेलती है। बाकी का जोया को बहुत अच्छा योगा आता है, मेरे को बताया था कल जोया ने। हमने ड्रोन उड़ाया था, जोया को बहुत अच्छा लगा वो। कल के जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे होंगे लास्ट ब्लॉग में, वो हमने यहीं से इसी जगह से उड़ाए थे। तो आप कभी भी मनाली आओ तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा हिल पार्टरेज, ये कॉटेज है। और बहुत अच्छे तरीके से मतलब हम यहाँ पर रहे, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आई नहीं या फिर कोई प्रॉब्लम आई नहीं। एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, लिंक वगैरह होगी, डिटेल्स वगैरह होंगी, मैं डाल दूंगा। तो आज हम रात को आके वैसे बॉनफायर करने वाले हैं। अभी हमारी जिप्सी आने वाली है, ऊपर जाएंगे तो जिप्सी में जाएंगे, तो अभी हम वहाँ का वेट कर रहे हैं। तो क्या क्या कर, अच्छा हाँ इनका और बता दूँ, ये जो तीन लोग इधर खड़े हैं लाइन से, ये तीनों करने वाले हैं स्कीइंग, और एक मैं और एक हर्ष। हम कुछ नहीं करने वाले हैं ऊपर जाके, हम बस अपना टाइम पास करेंगे, हाँ हम वहाँ बैठ के फ़ोन चलाएंगे। अच्छा, तो अभी बस जिप्सी आती है, फिर हम ऊपर जाएंगे और आप सब लोगों को ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे। और ये नेगी जी का मतलब ट्रैवल लॉन्च है, मतलब लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने लॉन्च बनाया हुआ है ट्रैवलर्स के लिए। उसकी खास बात ये मेरे को बता रहे थे कि इसमें ये जो आप देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए सारी चीज़ें, ये कहाँ से आई हैं जोया? और जोया भी मतलब पहले अफ्रीका रहती थी, तो इसलिए जोया की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। जब मैं अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स के सामने आता हूँ तो मेरे को थोड़ी शर्म आती है। ये सारी कंट्रीज में आप रहे हुए हो? अच्छा, सो यू हैव बीन देयर राइट, साउथ अफ्रीका, एंड विच अदर प्लेसेस? अच्छा, सो यू हैव बीन देयर, दिस इज नहीं, दिस इज नॉट, अच्छा यू हैव बीन टू दीज प्लेसेस? अरे अच्छा, नाइजीरिया इज हियर, ओके ओके। भाई बताओ, हम 20 साल के हो गए, हमने इतना ट्रैवल नहीं कराया, छोटी सी बच्ची ने देखो कितना ट्रैवल किया हुआ है। बाकी का आप मतलब देख लो यार, बहुत अच्छा यहाँ पे वाइब्रेंस है और मतलब सही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आप चेकआउट ज़रूर करना है एक बार, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो गाइस, अभी हम अपनी जिप्सी में बैठे हैं और हम निकल चुके हैं पूरे ड्रेस व्रेस पहन के सोलांग वैली के लिए। अब मैंने बहुत लंबा ले लिया क्योंकि मैं कन्फ्यूज जाता हूँ, मैं इसको सलोंग कहता हूँ। एनीवेज, अभी हम जाने वाले हैं, भाई हमारे साथ में। भाई अपना नाम बताओ एक बार। अनु। अच्छा, भाई का नाम अनु है और भाई हमें लेके जाने वाले हैं ऊपर सलोंग वैली। भाई हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह सब करवाएंगे। सो मैंने और बैसला ने तो स्कीइंग के लिए मना कर दिया, भाई देखो मेरा मन नहीं कर रहा, वहाँ जाके अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप चलो हमारे साथ ऊपर, आपको भी लेके चलते हैं और आपको ऊपर का सीन दिखाएंगे। ऊपर का नज़ारा बहुत 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 प्यारा है, तो ऊपर के ड्रोन शॉट्स आज देख के आपको बहुत मस्त लगने वाला है। पे आ चुके हैं सोलांग वैली और अभी अमन वगैरह ये सब जा रहे हैं अपना स्कीइंग करने के लिए। हाँ, तो मैं और हर सब जाएंगे अलग, हम कुछ अपना सीन देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब हम बर्फ में सोएंगे, हमें नींद आ रही है। सो गाइस, अभी हम ऊपर आ गए हैं, मतलब सोलांग वैली से भी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। हमारे पीछे ऊपर ये शिव टेम्पल है, मेरे को पता नहीं आ गया किधर है, इसी साइड होगा। और यहाँ पे मतलब बहुत ही तगड़ा सीन है, बहुत बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग, लिमिटेड तो क्या, लोगों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है इसलिए कम लोग आते हैं।
बाकी का हम यहाँ पे हम क्या जितने भी और जितने भी लोग आते हैं वो सब एटीवी से आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय बना रहे हैं भैया, चाय पी के हम ऊपर चलेंगे टेंपल में, उसके बाद में हम एटीवी चलाएंगे। यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है, मैं अभी आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा, आप यहीं आओगे भागे भागे। सो गाइस हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मतलब ट्रैक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा ही ट्रैक है, पीछे आप देख सकते हो, लेकिन हम इन रस्तों में से निकल करके आए हैं, मतलब बर्फ़ में रास्ता बनाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा तो ऐसे रास्ता बना बना करके आना पड़ता है, ऐसी बर्फ़ में नीचे पैर धंसाने पड़ते हैं, दो दो तीन तीन फुट गहरी बर्फ़ है यहाँ पे। तो यहाँ से हम आए हैं ऊपर, आप जो मेरे देख रहे हैं ये आपको मार्क होगा, दिख रहा होगा, ये है वहाँ पे शिवलिंग, जो आप कह सकते हैं कि खुद बनता है, नेचुरली बनता है। तो हम यहाँ जा रहे हैं, हाथ पैर सब जाम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की बात ये है कि ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। आप देख सकते हो पीछे बहुत कम भीड़ है, अगर आप मनाली के हिसाब से देख रहे हो तो, जितनी नीचे भीड़ थी उससे तो बहुत कम भीड़ है। भीड़ कम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, -20 होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं जल्दी से, और मेरा हाथ बिल्कुल जाम हो चुका है, थोड़ी देर में अगर मैंने ऐसे पकड़े रखा तो सुन भी हो जाएगा, सुन तो खैर हो चुका है, ये तोड़ना पड़ेगा फिर मेरे को हथौड़ी से। तो गाइस हम सबसे ज़्यादा टॉप पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे वो शिवलिंग है, शिवलिंग हमारे सामने ये रहा, हाथ हमने जोड़ लिए बाबा जी के, यहाँ पे जो शिवलिंग की फॉर्मेशन है ये ऊपर से पानी गिरता है बहुत रखा है यहाँ पे छोटा सा, वहाँ से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सबसे बड़ी समस्या की बात यहाँ पर ये है कि ये जो नीचे बर्फ है इस बर्फ पर क्रिस्टल जम जाते हैं क्योंकि ऊपर से पानी गिरता रहता है। ये है यहाँ तक आते आते, मतलब ठंड तो बहुत है, जूतों में बर्फ चली गई, ग्लव्स में बर्फ चली गई, उसकी वजह से ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और पीछे आप व्यू देखे हुए तो व्यू पूरा आपको स्विट्जरलैंड वाला देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, क्योंकि ड्रोन यहाँ से उड़ेगा तो बहुत प्यारा नज़ारा आएगा। जल्दी से हम नीचे चलते हैं, नीचे जाना और ज़्यादा अनसेफ है, आपने वीडियो देखी मैं कैसे गिरता पड़ता आ रहा था, लेकिन नीचे जाना और ज़्यादा अनसेफ है, तो अब नीचे चलने की बारी आई है। हमने स्कीइंग नहीं ली थी गाइस यहाँ के, लेकिन हम स्कीइंग के बिना भी स्कीइंग कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। हम ऊपर से नीचे ऐसे ही आए। तो गाइस हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं और हमारे साथ हैं संजीव जी। संजीव जी हमें एटीवी में ऊपर लेकर के आए थे। संजीव जी वैसे बहुत सारी और चीज़ों का काम करते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे संजीव जी का भी नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं। संजीव जी ये बता दीजिए, हमने पैसे दिए एटीवी के? हाँ पैसे दिए ना, दिए लोग फिर कहते हैं कि पैसे नहीं दिए। नहीं पैसे दिए उन्होंने, 1500 रुपये दिया है। तो आप सब लोग यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे पीछे ऐसा लग रहा है हम अंटार्कटिका में खड़े हैं, क्योंकि दूर दूर तक जहाँ नजर जा रही है, या तो आप इसे अंटार्कटिका कह लो या इसे स्विट्जरलैंड कह लो, लेकिन बहुत सही सीन है। ऊपर हम गए थे तो गर्मी हो गई थी शरीर में, तो ठंड नहीं लग रही थी, अब हमें ठंड दोबारा लगनी चालू हो चुकी है, और ड्रोन हम उड़ाने वाले हैं यहाँ पे। तो ड्रोन शॉट आप देखना, कल भी मैंने ड्रोन शॉट लिया था वो इतना सही आया नहीं था, इस बार आएगा बहुत प्यारा ड्रोन शॉट। तो जल्दी से हम एटीवी स्टार्ट करते हैं और ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं। हमारे ब्लॉग के दूसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज है day 2। बाकी गाइज मैं एक चीज आप सब लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, मैं कल वाले ब्लॉग में भी ये बात कहने की सोच रहा था, जो मैंने लास्ट ब्लॉग मतलब बनाया था नहीं कह पाया, दूर दूर तक भी अगर आपके मन में हिल्स पे आने का प्लान है, सोच रहे हो, मत सोचो, आ जाओ यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा माहौल हो रखा है। मैं बस यही चीज कहूंगा कि भाई प्लान भी मत बनाओ, घर से निकल जाओ बस सीधा, जैसे तैसे वोल्वो कर सकते हो वोल्वो में आ जाओ, अगर कार का जुगाड़ है भाई कार में आ जाओ, किसी भी तरीके से आ जाओ, वरना बहुत प्यारा सीन है, मिस मत करना इसको। मैं तुम्हारा भाई तुम्हें बस सलाह दे सकता है, आगे तुम्हारी मर्जी है। क्यों मर्जी? हाँ सही है, पनौती डाल। ये है हमारे बगल में सोलांग वैली, सोलांग वैली में हम आने वाले थे लेकिन हम अंजनी महादेव टेंपल चले गए,
हमारे साथ के लोग भी वैसे यहाँ पर आए नहीं, वो नीचे से नीचे ही रह गए, उन्होंने नीचे स्कीइंग वगैरह सब कर लिया था। बाकी कुछ ऐसा दिखता है सोलांग वैली का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये रोपवे है और स्कीइंग का वो है जो सेंटर है, यहाँ पे आप वो सब कर सकते हो। बहुत सही सीन है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो यार अपनी तरफ। मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर तरीके की एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। हमारा जो प्लान था वो था अटल टनल जाने का, लेकिन यहाँ पे SDM जो है यहाँ के वो आ गए हैं, तो SDM जी ने आकर के आगे का जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। वहाँ पे सिर्फ 4x4 को अलाउ कर रहे हैं, शायद ऊपर बर्फ वगैरह जम गई है, तो इसकी वजह से जो फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं या फिर नॉर्मल कार्स हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं। हम फिलहाल किया सेल्टोस में है, नेगी जी की कार है, और इसके अंदर क्या नाम है 4x4 नहीं है। तो हम अब वापस जा रहे हैं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ जाने का हमारा ऐसा मन भी नहीं करने लगा था, तो कुछ खाने के लिए चलते हैं। यहाँ पे हमने एक दो रेस्टोरेंट्स हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा सुने हैं, तो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके कुछ खाएंगे, देन अपना होटल से अपना दिल्ली घर। गाइस अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने के लिए, ये इन्होंने पहली बात तो इन लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि यहाँ पे खाना खा रहे हैं। क्या चीज? क्योंकि कुछ लोग बिना हमें बताए घूमने चले गए थे। हम बिना बताए नहीं घूमने गए थे, बट चलो आकर बताया नहीं, बिना बताए तो गए थे खैर, लेकिन आने बाद बता दिया भाई ने बताया नहीं, वो हम कुछ लोग भाई घूमने नहीं गए थे, पक गए थे वो काम गए थे लेकिन काम हुआ नहीं तो घूमने चले गए। तो हमें देखो, हमें रोटी मिली थी, रोटी तो मिली पर उसके साथ सब्जी नहीं मिली, एक रोटी वहां पड़ी है, सब्जी नहीं है, क्या करें। अब बोल रहे टाइम लगेगा, रेस्टोरेंट वाले ने बोला, तो अभी हमारे पास गुलाब जामुन आएंगे, हम गुलाब जामुन खाएंगे, उनको खा के अपना दिल्ली रवाना होंगे, ऐसा ही है। भाई होंगे पानीपत रवाना, भाई इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है, तो ये वही इन्होंने ले रखा है, लड़ाइयों के लिए परफेक्ट जगह है। कौन सा? मैं पानीपत फेमस है ना युद्ध के लिए, पता नहीं, मैं तो अभी शिफ्ट हूँ पानीपत भी। अभी शिफ्ट हो? पानीपत की लड़ाई के बारे में सुना ही नहीं कभी? ये सब तो पता है लेकिन शिफ्ट में अभी हूँ तो। अच्छा अच्छा, पानीपत यार जींद के लोग देख तू ना ये इसलिए ये भाई ये बात इसलिए कह रहे क्योंकि खुद जींद से है। राम राम जी है। तो गाइस हम निकल चुके हैं मनाली से, मतलब निकले हुए बहुत टाइम हो गया, बट मैं पीछे बैठा था तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि ये भैया भी हमारे साथ ही जा रहे हैं दोनों ये तो अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, शायद हम मंडी के थोड़ा ही पास हैं, और यहाँ से आप व्यू देखो एक बार तो क्या प्यारा व्यू है। और तुम्हारा भाई कहाँ खड़ा है? मैं ऊपर खड़ा हूँ एकदम, यहाँ एक ढाबा सा है छोटा सा हमें मिला, तो हम इसमें चाय पी रहे हैं, और यहाँ से चाय पी के हम चलेंगे अपने घर की तरफ वापस। अभी हम चंडीगढ़ जाएंगे, फिर चंडीगढ़ से दोबारा वापस अपने घर जाएंगे। हमें यहाँ पे हिमाचल पुलिस ने रोक लिया, हमें नहीं पता क्यों रोका, बट रोक तो लिया है। वहाँ पे भी और भी लोग हैं जिनको रोका हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या होता है, मतलब रीज़न क्या था। बेल्ट वगैरह सब लगा रखी थी, मास्क वगैरह लगा रखे थे, और ये तो लिटरली लड़ रहा है भाई, पुलिस वाला बुरे तरीके से लड़ रहा है। सो गाइस अभी हम मंडी में हैं, और मंडी में हम रात को हॉल्ट ले रहे हैं, मतलब रेस्ट लेंगे हम यहाँ पे रात को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है पहाड़ी रास्तों में, और रात को बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ पे ड्राइव करना, तो मैंने ये फैसला करा कि भाई देखो रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। दूसरा जो हमारा चलान हुआ था वहीं से मैंने इस ब्लॉग को कट कर दिया था, चलान हुआ था हमारा ओवर स्पीडिंग का। यार मैं पीछे बैठा था तो मेरे को ज्यादा पता नहीं था किस चीज का चलान हो रहा है क्या नहीं, मेरे को बाद में वहां से पता लगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ आपको, चलान 900 रुपए का हुआ था, हमने 1000 रुपए दिए, मतलब मैंने नहीं, जो भाई गाड़ी चला रहे थे वो 1000 रुपए दे के गए पुलिस वालों को, मतलब वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में भी रिश्वत देकर गया है, ये चीज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई ऐसा उन्होंने क्यों करा। लेकिन आप पहाड़ों में कभी भी जाए, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी जाए आप, कभी भी ये बेवकूफी ना करें यार, स्पीड लिमिट्स में हमेशा चलाएं गाड़ी को, और ये तो पहाड़ों वाली बात है यार, यहाँ तो बिल्कुल भी रिस्क लेने का सवाल नहीं उठता है। तो आप सब लोग भाई, नए साल का टाइम आ रहा है, तीज त्यौहार होते हैं, हम तीज त्यौहार ही बोलते हैं, फेस्टिवल टाइम है, तो आप थोड़ा तरीके से रहो यार, बहुत सेफली चीज़ों को करो। बहुत सारे लोग इस टाइम पे मनाली आ रहे हैं, हिल स्टेशन पे आ रहे हैं, तरीके से ट्रैवल करो भाई, 2 घंटे लेट पहुंच जाना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी, कोई बराक ओबामा जी और डोनाल्ड ट्रंप जी आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आराम से आप ट्रैवल करो। और एडवांस में मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ, वैसे मेरे को लगता नहीं है मैं हैप्पी न्यू ईयर तक मतलब ये ब्लॉग डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे काम लेट लतीफ ही होते हैं। बाकी का तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था, क्योंकि अब कुछ ऐसा है नहीं, अब हम ऐसे सीधा घर जाएंगे, तो इस ब्लॉग में और कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो आप सब लोग अभी इस ब्लॉग को लाइक कर दो, और लाइक करने वाले हो ना तो ड्रोन शॉट्स के लिए जरूर कर देना, पिछले ब्लॉग के ड्रोन शॉट्स तो बम थे ही थे, इस ब्लॉग के ड्रोन शॉट्स आई एम डैम श्योर बहुत तगड़े बने हैं, क्योंकि उस वाले में थोड़ा शहर था, आप कह सकते हैं कि घर वगैरह थे, इस वाले में पूरा लैंडस्केप है, बहुत अच्छे व्यूज आए, नेचुरल व्यूज आए। तो आप ये वाला ब्लॉग जरूर लाइक कर दो, मिलूंगा आप सब लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी में भी मतलब ब्लॉग देख रहे हो और हल्का सा भी अच्छा लगा मनाली और मन बना रहे हो कहीं घूमने का, तो मनाली आ जाओ भाई, देखो
मतलब प्लान बनाने जैसी कोई चीज ही नहीं है यार। चार पांच दोस्त इकट्ठे करो, आओ, बस सेफली आना। इस चीज में कोई रिस्क मत लेना यार, देखो जान का सवाल है, तो पहाड़ों में बकचोदी मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ, आई होप इतना तुम मेरा कहना मानते ही हो। मिलूंगा आप सब लोगों को एक नए ब्लॉग नई वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, देखते रहिए एंडी गुजर।